शिक्षा को विकास की सबसे अहम सीढ़ी मानी गई है, लिहाजा सरकार विद्या अर्जन में सहजता हो, सभी को समान शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए तमाम कवायद कर रही है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने शासन बेहद संजीदा है, लेकिन कुछ शासकीय कर्मचारी इसमें पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा वाक्या धरमजयगढ़ विकास खंड का है। यहाँ कुछ ऐसे बीहड़ गाँव क्षेत्र के स्कूल है जहाँ के शिक्षक मनमाने तरीके से स्कूल संचालित करने में आमादा है। बच्चों की पढ़ाई को नजरअंदाज कर अन्य कार्यों में मशगूल रहते हैं। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी खुद से खेलते कूदते पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिससे जाहिर तौर पर नौनिहालों की शिक्षा बेहद प्रभावित हो रही है। ऐसे में वही पालकों को बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं धरमजयगढ़ के गाँव रामपुर मिडिल स्कूल व रसकुरिया प्राथमिक शाला की, जहाँ के स्कूली बच्चे व पालकों का साफ कहना है स्कूल से गुरुजी नदारद रहते हैं। हालांकि स्वीपर के जरिए बच्चों को माध्यान्ह भोजन मिल जाता है, किंतु दोनों स्कूल के करीब 100 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस संबंध में फोन के माध्यम से जब धरमजयगढ़ विकासखंड शिक्षा अधिकारी रवि सारथी से जानकारी चाही गई तो उनका कहना है यह मामला बेहद गंभीर है, अभी मेरे संज्ञान में आया है, तत्काल इसकी जाँच कराई जाएगी और संबंधित शिक्षकों पर उचित कार्यवाही की जाएगी। अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर संबंधित उच्च अधिकारी कोई सार्थक कदम उठाते हैं या फिर उक्त शिक्षकों की भर्राशाही यूं ही जारी रहती है। आज स्कूल खुली थी? हाँ, खुली थी। पढ़ाई हुआ? नहीं हुआ। क्यों? मैम आई थी फिर भाग गई तुरंत। अच्छा, फिर क्या किया आप लोग? हम लोग खाना खाए फिर छुट्टी कर दिए चपरासी। तो इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि पहली बार हुआ है? होता है, ऐसे ही होता है जी। कौन है शिक्षक? शिक्षक वो एक जने विजय है और एक जने वो रजनी। अच्छा, तो अक्सर ये करते हैं? ऐसी नहीं करते हैं, कभी कभी 3 बजे लेकिन छुट्टी कर देते हैं। अच्छा, समय से पहले छुट्टी कर देते हैं जी। मैं गुरुजी नहीं है? हाँ नहीं है। तो कैसे कर रहे हैं आप लोग, खुद से पढ़ रहे हैं? हाँ, खुद से पढ़ रही हैं। और मध्याह्न भोजन वगैरह अच्छा देते हैं? तो आज का मध्याह्न भोजन कौन दिया? स्वीपर दिया जी। तो भोजन किए? हाँ किए। भोजन के बाद पढ़ाई किए खुद से? हाँ। तो आपके गुरुजी कौन है, शिक्षक कौन है, क्या नाम है? सिंह राठिया। तो वो आए थे आज? नहीं आए थे। अच्छा, तो स्कूल कौन खोला? मैं। खुद से खोल ली स्कूल जी। और खुद से पढ़ाई कर रहे हैं जी। कहाँ है, कौन से स्कूल है? शासकीय प्राथमिक शाला रामसुरिया स्कूल है। अच्छा, गुरुजी हैं शिक्षक? नहीं हैं। तो कैसे कर रहे हैं पढ़ाई आप लोग, कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? खुद से पढ़ रहे हैं? हाँ। तो कब से नहीं है? सुबह सुबह से। सुबह से नहीं है? सुबह आए थे नहीं आए थे? सुबह नहीं आए थे। नहीं आए हैं। तो आप खुद स्वयं स्कूल खोलकर खुद पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। कितने गुरुजी हैं आपके यहाँ? दो। कोई नहीं आते? एक सर निकल गई है, दूसरे गांव पढ़ाने गई है। अच्छा, और यहाँ की पढ़ाई? दूसरा सर आऊंगा बोल रहे। तो यहाँ तो है नहीं अभी। तो अक्सर ऐसे होता है? नहीं, एक दिन आ भी जाता है। कभी कभी आते हैं। हाँ। ऐसा गांव रसकुरिया पारा है। अच्छा, राम रामपुर पड़ता है। अच्छा, ये शासकीय प्राथमिक शाला रसकुरिया स्कूल का नाम। तो यहाँ तो शिक्षक है नहीं गुरुजी? आज नहीं आए हैं। तो कैसे कर रहे हैं बच्चे पढ़ाई? बच्चे देख तो रहे हैं कैसा पढ़ रहे हैं, अपने से खुद ही स्कूल खोल करके पढ़ रहे हैं और ऐसे करते हैं, रोज नहीं आते हैं। तो ऐसे में तो बच्चों का पढ़ाई प्रभावित हो रहा है? बहुत प्रभावित हो रहा है।
देखिए ना कैसा, कुछ शिक्षा नहीं, नहीं कैसा जंगली जैसा है। धर्म जयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।